एक सच्ची घटना है। संत करम सिंह जी होते मरदान वाले, आपने नाम सुना हो, बड़ी कमाई वाले महापुरुष हुए हैं संत करम सिंह जी होते मरदान वाले। मरदान का इलाका है ये। उस समय बहुत गिनती में पठानों का राज था, वहां पर पठान थे बहुत गिनती में, और उनमें से एक पठान का नाम आया अब्दुल गफार खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐसा पठान है, मुसलमान, पर कभी दरगाह नहीं गया, कभी नमाज अदा नहीं की, और दुनिया के जितने गलत काम है सब करता है। बंदूकधारी अपने साथ रखता है, जो चाहे जिसके साथ गलत करता है कोई रोकने वाला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितने दुनिया के पाप हैं, जितने अपराध हैं, सारे करता है ये। एक दिन बाजार से गुजर रहा है, इसकी नजर एक बहुत सुंदर स्त्री पर पड़ गई, मन में वासना जाग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन में पाप आ गया कि इसे उठा लेना है, इसे अपनी बेगम बनाना है, पर जब उसके बारे में पता किया तो घबरा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि ये फलाने पठान की घरवाली है और वो भी बहुत ताकतवर है, इससे भी ज्यादा, अब यहाँ पे बस नहीं चल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जितने पाप करता है, जो चाहे कर लेता है, पर यहाँ पर बस नहीं चल रहा, क्योंकि सामने भी ताकतवर है, पर इसका ध्यान बस उस स्त्री में ही लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दिन रात इसका ध्यान उसी में, न खाने में ध्यान, न पीने में, न सोने में, कुछ काम नहीं कर रहा, उदास बैठा रहता है। एक मित्र मिलने आ गया जो महापुरुषों की संगत करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जानता था ये कैसा है, पर फिर भी मिलने आ जाता था, हो सकता है कभी ये सुधर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब इसकी हालत देखी, पूछा कि क्या बात है, इसने बताया कि फलाने की बेगम है, मुझे अपनी बनानी है। वो मित्र समझाने लगा, तेरी तीन तीन बेगमें हैं खूबसूरत, तो क्या बात कर रहा है। उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर अब्दुल गफार खान माने ही ना, मुझे किसी प्रकार के भी उस बेगम को अपनी बेगम बनाना है, कोई रास्ता बता। तो उसने हाथ जोड़ दिया, भाई ये पाप का रास्ता मैं तो नहीं बता सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना घटिया तेरी सोच कि दूसरे की बेगम पर तेरी बुरी नजर और उसे अपनी बनाना चाहता है। पर आखिर में इसके मन में विचार आया, क्यों ना ये बहाना है आज मिला, किसे महापुरुषों से मिला दिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे, एक हैं जो तेरी मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं, संत करम सिंह जी होते मरदान वाले, पूरन महापुरुष हैं, कमाई वाले, इनके पास चला जा, ये तुझे रास्ता बता देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। घटना को बड़ी ध्यान से सुनना सात संगत जी, नाम की ताकत, नाम कैसे इंसान की फितरत बदलती है, सोच बदलती है। अमृत वेले चला गया और संत करम सिंह जी होती मरदान वाले समाधि में स्थित हैं। जब समाधि से खोले तो ये जोर जोर से बैठकर वहां रोने लगा और क्या कहता है, महापुरुषो, फलाने की बेगम है, मुझे अपनी बनानी है, कोई रास्ता बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। महापुरुष हैरान हुए कि पहली बार एक आदमी आके ऐसी बात कर रहे हैं, फलाने का रास्ता पूछ रहा है, और सीधा सीधा पूछ रहा है कि फलाने की बेगम है, मुझे अपनी बनानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कमाई वाले थे, कहने लगे, हाँ एक तरीका है, हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का क्या तरीका, महापुरुष कहने लगे, पर तू कर नहीं पाएगा, तू रहने दे। कहने लगा, नहीं मैं कर लूंगा। कहने लगे, नहीं तेरे बस की बात ही नहीं है। कहने लगा, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो महापुरुष कहने लगे, फिर सुन ध्यान से, रात को 2 बजे उठ जाया कर। कभी उठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहने लगा, आज तक नहीं उठाऊ। कभी नमाज अदा की है? कहने लगा, नहीं। कभी अल्लाह अल्लाह का नाम जपा है? कहने लगा, नहीं। महापुरुष कहने लगे, फिर एक काम कर, 2 बजे उठ, स्नान कर ले, अपने कमरे में किसी से बात नहीं करनी, एक कोना पकड़ कर वहां बैठ जा, तस्बीह फेरते जा, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह फेरते जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सुबह हो जाए, पहली नमाज का वक्त हो जाए, मस्जिद में चले जाना। वहां पर भी तुझे चाहे कोई कितना भी बुलाए, तूने बात नहीं करनी, तूने अपनी नमाज अदा करनी है और चुपचाप वापस आ जाना है। और पूरा दिन भी किसी से बात नहीं करनी और बैठकर पूरा दिन तस्बीह फेरनी है। कहने लगे, केवल 40 दिन ऐसे कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
कर लेगा। तो अब्दुल गफार खान कहने लगा कि मेरी इच्छा पक्का पूरी हो जाएगी। महापुरुष कहने लगे हाँ, जो भी तेरी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये गया, इसके पास जो शस्त्रधारी गनमैन थे उन्हें इसने भेज दिया कि चले जाओ यहाँ से। अब रात को उठा 2 बजे, बेगम हैरान, स्नान करके कोना पकड़ के तस्बीह पकड़ के बैठा है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। तीनों बेगमें आप में विचार कर रही कि इसको क्या हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अल्लाह अल्लाह करता रहा। जब सुबह के 4:30 बजे मस्जिद में जाने का समय हो गया, चल पड़ा मस्जिद में गया, सारे लोग देखकर हैरान, ये कहाँ से मस्जिद में आ गया, अत का पापी, आज तक ईद के समय भी मस्जिद में नहीं आया है और आज ही आया है मस्जिद में। पर चुप करके देख रहे हैं। अब अजान के वक्त इसने कभी नमाज अदा ही नहीं की, दूसरों को देख देख के कर रहा है। लोगों ने इसे पूछने की कोशिश की पर महापुरुषों ने कहा था किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, बात नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो नमाज अदा करके वापस आ गया, लोग बड़े हैरान, मौलवी बड़े हैरान कि क्या हो गया है इसे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोग इसके पीछे इसकी बुराइयां करते थे, आज आपस में विचार करते हम तो गलत थे, ये तो कोई पीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ना किसी से बात करता है, ना किसी से कोई बात, ना कोई बातचीत, ना कुछ मिलना गिलना, केवल तस्बीह फेरता है दिन रात, अल्लाह अल्लाह करता है और मस्जिद में भी आता है तो नाम जपता है बस। इसकी वाह वाह होनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके कानों में आवाज पड़ रही है लोगों की कि ये तो कोई पीर है और ये मन ही मन सोच रहा है मैं तो किसके लिए कर रहा हूँ इन्हें पता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 10-11 दिन बीते, इसने दरवाजा खोला, देखा बाहर भीड़ खड़ी है, उन्होंने इसके गले में फूल मालाएं डाली, लोगों ने फूलों की वर्षा की कि हमसे भूल हो गई, हम तो आपकी बहुत निंदा करते थे, आप तो कोई पीर हो जो खुदा से जुड़ा हुआ है, हमें आशीर्वाद दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ये हैरान कि मेरे मन में तो पाप है कि फलाने की बेगम अपनी बनाने, मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं कोई पीर नहीं हूं, मैं तो मजबूरी का मारा अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ नहीं बोला, चुप रहा। लोग फूल माला डालकर चले गए, बेगमें भी हैरान, बेगमें भी इसकी खिदमत करने लग गई, ये तो कोई पीर है, कोई अल्लाह का वली है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया इसे। इसका मित्र इसे मिलने आया जिसने ये रास्ता दिखाया था, पर इसने उससे भी बात नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो भी चला गया। ऐतिहासिक घटना है सात संगत जी, ये अल्लाह अल्लाह क्यों कर रहा है, मन में पाप है, ध्यान देना। तस्बीह क्यों फेर रहा है, मन में पाप है कि मेरा भी इच्छा पूरी हो जाए, फलाने की बेगम अपनी बनानी है। दिखावे के लिए कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, नाम नाम की ताकत को समझना। कुछ दिन और बीते, इसके मन में ये ख्याल आने शुरू हुए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों। बाणी कहती है पर ये हथ पैर तन दे, पानी तो तय उतरस के, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन, लैया ओ तो परिय मत पापा के संग, ओ तो पै ना वह कर। अल्लाह अल्लाह कर रहा है बेमन से, पर वो मन की मैल उतारनी शुरू कर दी उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मन में ख्याल आ रहा है खुदा ने तुझे इतनी खूबसूरत 3 बेगमें दी, फिर भी तेरा मन पापी दूसरे की बेगम पे जाता है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पछतावा होना शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ दिन बीते, पछतावे में बैठा रहता है। एक बेगम आके कहने लगी कि कोई आपसे मिलने आया है और बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं कि आपके दर्शन करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगा कौन है, तो उन्होंने बताया फलाने पठान की बेगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बेगम जिसे अपनी बनाना चाहता है वो मिलने आई है इसे, इसके दर्शन करने, क्योंकि खुदा का वली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब वो बेगम इसके पास आई, उस बेगम ने कहा, उस औरत ने, कि या खुदा के वली मेरे सिर पर अपना मेर भरा हाथ रख दो कि जो बंदगी की दात आपको खुदा ने बख्शी है वो मुझे भी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
और उस दिन अब्दुल गफार खान ने अपना हाथ उठाया, उसके सर पर रख के कहने लगा, बेटा खुदा तुझे भी बंदगी की दात बख्शे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। और उसी वक्त वहां से दौड़ा, और दौड़ पर कहां पर, अपने मित्र के पास जिसने कहा था संत करम सिंह जी होते मर्दान वालों के पास चला जा। उसके चरणों में गिर पर रो पड़ा, कहने लगा तूने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। इस अल्लाह की बंदगी में तो इतना रस है, इस नाम में इतना रस है, आज तक मैंने जितने भी रसों को भोगा है इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु। जिस औरत के प्रति इसके मन में पाप था उसे इसने बेटी कहकर बुलाया, अपना हाथ उसके सर पे रखा। ये नाम की ताकत है। बाबा आनंद सिंह जी समझाया करते थे कि ये जितने भी टीवी में इस आप देखते हो साधु आके प्रवचन कर रहे हैं, संत प्रवचन, सो संत थोड़े हैं सारे। बाणी कहती है नानक कोट मत को ऐसा अपरच, इंद्री जित पंच दोखते रहत, नानक कोट मत को ऐसा अपरच। ऐसे जो करोड़ों दिखाई देते हैं उनमें से एक कोई संत होता है, पर विचारने वाली बात है, ये दिखावे के लिए नाम जपा रहे हैं तो भी दुनिया इन्हें पूज रही है। बात को समझना, जो दिखावे के लिए नाम जपा रहे दुनिया उनकी पूजा कर रही है। बाबा नानक जी कहते हैं जो सच में जप लेगा सोचो गुरु उसे क्या देगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु।